परमेश्वर
बिद जानन हा। सत सहाई शरण जोग, सत सहाई शरण जोग, आठ पहर नमस्कार, आठ पहर नमस्कार। पूरन का तो होना डूबता, पूरन का तो होना डूबता, पूरा किया प्रभया, पूरा किया कच कछ न पूछी, कछ कछ न पूछी, शिव दो हर के चरण, शिव दो हर के प्रभु की शरण, पूरन कब हो नोलता, पूरन कब हो नोलता, पूरा किया प्रभया, पूरा किया प्रभया, दिन दिन चढ़े सुनवाया, दिन दिन चढ़े सुनवाया, नानक भोग न काट, पूरन कब हो न डोलता, पूरन कब हो पूरन कब हो ना डोलता, कब हो ना डोलता, कब हो ना डोलता, पूरन कब हो ना डोलता, पूरन किया प्रभया, पूरन कब हो ना डोलता, तैसा शरण तैसी उस माटी,
ऐसा अमृत ऐसी मिठ खाटी ऐसा मान ऐसा अभिमान ऐसा रंग ऐसा राजान पूर्ण कब होना जोड़ता पूरन कब होना जोड़ता चिंची गौड़ी का नाम जमा 14 छत्तां पहली आरंभ करके सतगुरु पातशाह जी ने एक एक बारी बारी गिण के एक रोज तीज चौथ पंचमी छेवी सतवीं अठवीं नौवीं दसवीं एकादशी बारहवीं तेरहवीं चौदहवीं उस तो बाद मसीहा दा जिक्र पिछे आ चुका है। ये फिर मुड़ के दोबारा एक बारी घटदी ने एक बारी बढ़दी ने महीने ओनू आखते ने एक कहते ने सुधी दूजी आते ने बधी इन्हों सुधी ते बधी की दोवे पास एक पास बसे है एक पास पूर्ण पासी है जो बधी दियां छिछां अगे तुरदियां ने चलदियां 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 पूर्ण तक आदि ने बसिया दी दिन जो दोबारा इस तो अगे फिर सुधी दियां तुरदियां ने एक दो तीन चार 14 तो बाद 15वीं छत जी आती है पूर्णमासी आखते हैं। अज की इस शब्द कीर्तन के सतगुरु ग्रीवन वाहे पातशाह जी ने पूर्णमासी का जिक्र किया। पूर्णमासी वो होती है जिस दिन सूर्य चंद्रमा पूर्ण तौर उत्ते संपूर्ण सामने नजरी आता है पूर्ण गुरुवार ने पूर्णमासी और ग्रीवन वाहे पातशाह जी ने संसार के लोगों वहमां ते भरमां की जिंदगी विचों बाहर कढ के यथार्थ वाले पासे असलियत यथार्थ कहते हैं असलियत असलियत के पासे असलियत के नेड़े किया है। जिंदगी दे विच कुछ गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां असलियत ने कुछ गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां असलियत नहीं हुंदियां पर समाज में चलदियां ने उहदे वो बंदा करता है बंदा चटी समाज नू केवल दसन वास्ते भी समाज जी चलो मेरा नक शर्म रवे मेरी गलबात बनी रवे मेरा मान सम्मान बनिया रवे पर यथार्थ विच असलियत विच वो जिंदगी का हिस्सा नहीं होती है पर बंदा करता प्रयत्न है। सतगुरु पातशाह जी ने गुरबाणी साडे जीवन का हिस्सा ताकि साडा जीवन का हिस्सा बन सके असी उसके मुताबिक अपना जीवन जीव सकी जीवन जीवद्या हो असी अपने जीवन की सिद्ध प्राप्त कर सकी। जो चिथा तुरदिया ने चंद्रमा के हिसाब से तुरदिया ने चंद्रमा के घटन बदल के नाल चलदिया ने लोग ज्यों ज्यों घटदिया ने ज्यों ज्यों बढ़दिया ने कुछ दिनों नियत करके उन्होंने दिनों की पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। जिवें मैं पहला भी बेनती की एकम वाले दिन पढ़ना पढ़ाना नहीं पंचमी वाले दिन मेले लगते हैं दसवीं पूछी जाती है जी किस दिन है दसवीं मसिया किस दिन है जी मैं वर्त रखना है। इस तरह के नाल पूर्णमासी वाले दिन भी लोग इस मना के ही अपना जीवन बतीत कर रहे हैं मना के गुरबाणी साडे वास्ते केवल इसलिए नहीं भी असी इस गुरबाणी नूं मत्था टेकीए ते मनाईए बस गुरबाणी साडे वास्ते जीवन सिद्ध है ते एक एक अखर साडे वास्ते जीवन की काढ़त है। इस जीवन की काढ़त दे विच मनुख ने किस तरह तुरना है अपना जीवन किस तरह कटना है जिसनों सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जपजी साहिब का पाठ करते हो
ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਕਸਾਲ ਜਿਸ ਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੰਸੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਘੜ ਸਕੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਘੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਈਦ ਦੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਚੌਥ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹਦਣ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਏਕਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਏਕਮ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੋਜ ਸੀ ਜੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਜੀ ਖੌਫ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜੀ ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਇਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮੰਗੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਘਟਦਾ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਘਟਣ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਸਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਉਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧਰਤੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਸ ਕਰ ਸੂਰ ਸਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆ ਅੱਜ ਆਹ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰੋ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਹੂ ਬਹੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਟੀਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ ਨਿਰਣੈ ਯਾਨੀ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਕਬੂ ਨਾ ਡੋਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਭਲਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ
गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने पवित्र वचन कहे, जमीन समान के बिखे समस्त एक जोल है, न बाट है न घाट है, न घाट बार ढोल है। वो घटबंद नहीं होता। हुण यह रोज विचारा घटता है, वधदा है, यह घटदिया घटदिया बिल्कुल अरोप हो जाता है, दूजे पासे वधदिया वधदिया संपूर्ण होता है, संपूर्ण तो बाद अगले दिन फिर घटना शुरू हो जाता है। हुण जिहड़ा आप ही संपूर्ण नहीं, आप ही घटता वधदा, आप ही विचारा पूरा नहीं, वो किसी दूजे नूं पूरा किदां करेगा। हुण जे असीं पूरा होना चाहिए, जे असीं किदां पूरे होईए, जे सतगुरु श्री महाराज पातशाह जी ने वचन उच्चारण किया, कहते हैं पूरन कबू ना डोलता, पूरा किया प्रभ आप, जिन्हों आप वाहेगुरु पूरा करे, क्योंकि आप वाहेगुरु पूरा है, इस करके वही ही किसी को पूर्ण भी कर सकता है। जिदे को अपने को समर्था पूर्णता दी नहीं, वह दूसरे को पूर्ण नहीं कर सकता। इस करके बंदिया जे तू पूर्ण होना चाहता है तो देव तेन भी पूर्ण के नाल जुड़ना पड़ेगा। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने इस वचन को कौड़ी के अंदर आख्या, कहते हैं पूर्णमना पूर्ण प्रगति, कहने तू यह जान के केवल चंद्रमा अज के दिन पूर्ण होया तो कल घटना शुरू हो जाएगा, इस करके ये पूर्ण नहीं। जी कौन है पूर्ण? फिर कहने पूर्ण प्रभ एक, एक वाहिगुरु पूर्ण, उस तो अलावा हो कोई पूर्ण नहीं। जी वह की करता है? कहने वह करण कारण समर्थ है, वाहिगुरु करण कारण समर्थ है, इस करके वो करण कारण समर्थ ही नहीं। कहते जी जंत दयाल पुरख सब उपर जंका हाथ, जितने जीव पैदा किए हुए ने उसने सब संसार के जीव पैदा करके सारे उत्ते उसने अपना हाथ धरिया हुए, सब के सिर उत्ते मेहर भरिया हथ रखा। वो अकाल पुरख वाहिगुरु कहते हैं गुण निधान गोबिंद गुर किया जंका होए, वो गुणा का खजाना है, वो गुणा के भरपूर खजाना है, निधान है, खजाना है गुणा का, अते उसका कीता सब कुछ उसका होंदा, कीता तेरा वरतदा वाहिगुरु जी, तेरा कीता वरतदा है, होर कुछ नहीं वरत सकता। इस करके सतगुरु पातशाह महाराज जी कहते हैं अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए, वो अंतर जामी है, वो सुजान है, सुजान तो कहते सहना सब तरह की शान रखने वाला, इस करके वह अलख है, उसनू लिखिया नहीं जा सकता, वह निरंजन है, अंजन तो रहत है, कारक तो रहत है, माया तो रहत है, वो है की कहते पार ब्रह्म परमेश्वर सब विद जानन हार, वो वाहिगुरु है, कौन हो सकता इस तरह का, कहते वो वाहिगुरु है, परमेश्वर है, सारिया विधा जानता है, सब कुछ जानता है, सब हर हालात को जानता है, फिर वो केवल तो केवल यह नहीं जानता, कहते हैं संत सहाई शरण योग आठ पैर नमस्कार, वो सहायता भी करता है, इस करके अठे पैर उस नमस्कार करनी पड़ती है, हर वक्त उस नमस्कार करनी पड़ती है। ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी कहते अकच कथा मैं बूझ गया है, सिमरो हर के चरण, कोई आखे कि मैं उस अकाल पुरख वाहिगुरु की अकच कथा मैं किसी पास बिनती गिनती कर लवा, किसी पास हाथ लावा जाके, या किसी पास देखा भी कितने जाके पूर्ण होंगे, सतगुरु पातशाह जी कहते ऐसा नहीं हो सकेगा, नहीं कर सकेगा। इस करके कहते की करना चाहिए, कहते पतत उदाहरण अनाथ नाथ नानक प्रभ की शरण, जे कोई मनुख आखे जी मैं जो हूं गुना भरिया हुआ, मैं तो गुना बड़ा भरिया हुआ, मेरा की बनेगा, मैं कि बच सकता, मैं कि अपने आप को बचा सकता। तो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने अखीरली पंक्ति अंदर मनुख को यह हौसला दिता, यह डरस दिता, आखिया कह लगे वो पतत उदाहरण है, वह पापियां बख्शन वाला है, इस करके जे तेरे को किसी वेले कोई माड़ा काम हो गया, जे तू किसी वेले कोई गलती कर बैठा है, तू किसी वेले गुनाह कर बैठा है, इस करके तेनों घबराने की लोड़ नहीं, तू शरण च आ, अगों वास्ते अपने उस गुनाह की माफी मंग, उस गुनाह बोल बख्शा के, अगे वास्ते सुचेत होकर अपना जीवन बतीत कर। बस इस तरह के सतगुरु पातशाह के पतत उदाहरण, वो अनाथा का नाथ है, नानक प्रभ की शरण, तू उसकी शरण च पै। इसलिए पूर्णमासी जे किसी ने मनानी हो इस तरह मनाई जानी चाहिए, नहीं तो जिस तरह आम रीत मुताबिक दुनिया का अंधकार असी चुके अपने सिर के उत्ते तुरे हुए हैं, अंधकार चुके सिर के अंधकार दी बंडा उन्हें तुम कोई बात निकलना चाहिए। मैं वो एक पहला ग्राम तुम जरूर पढ़ के सुनाना चाहता, क्योंकि मैं अज इस करके पढ़ के तुम सुना लगा भी तुम्हें किसी वेले मन च उत्साह पैदा हो।
ये उत्साह पैदा होवे भी असीं भी अपनियां धार्मिक पुस्तकां पढ़ीए क्योंकि उन्हां दे अंदर सानूं की कुछ मिलता है की कुछ प्राप्त होता है। यानी हरबंस सिंह जी का लिखा हुआ गुरु ग्रंथ साहिब दर्शन मिलना है, बड़ी मेहनत की थी 14 पोथियां ने इस दियां। वह लिखते हैं वर्तमान समय में पूर्णमासी का वर्त रखने वाले की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बड़े ध्यान में सुनना इन्हें गलत कहने वर्तमान समय में पूर्णमासी का वर्त रखने वाले की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिर अगले लफ्ज लिखते हैं कहते हैं यह बीमारी गुरुद्वारे में भी धस गई है। इसन उन्होंने बीमारी लिखी है, कहते हैं यह बीमारी गुरुद्वार भी धस गई है। कहते हैं कथा पूर्णमासी पढ़न की वादी इतों तक बद गई है कि बीबिया गुरुद्वार विशेष प्रोग्राम कर लग पी है। पूर्णमासी की गल कहते हैं पूर्णमासी की कल्पत कथा गुरु गोबिंद सिंह जी और भाई दया सिंह जी नाल जोड़न का जोड़ना महामूर्ता है। की जाती है भी ये जिहड़ी कथा हैगी है ये भाई दया सिंह जी और गुरु गोबिंद सिंह महाराज के आपसी वार्तालाप है, ये मनगढ़ंत कहानी है। अगे वो लिखते हैं इसे गल नूं कहते हैं गुरु नानक दर्पण के करता ने निजी जानकारी के आधार पर यह दसिया है कि पूर्णमासी की कथा के तीन रूप मिलते हैं, एक छंदाबंदी विच, दूसरा वार्तक विच, तीजा 12 महीनों की कथावां विच। यह कथा सब तो पहला संत पूरन सिंह बलकसर तहसील चकवाल जिला जेलम वाले ने लिखी सी। यह लिखण वाला कौन है वह भी ना दिता उन्होंने। फिर उसने आप ही सन 1909 पिंड मुरीद तहसील चकवाल जेलम खालसा दीवान इस फुल उत्ते आप ही शर्मसार होकर बाहां उचियां करके हेठ लिखे शब्द राही खिमा मंगी सी। जिन्हें लिखी सी ना प्रचलित करती जिन्हें सारिया उन्हें भी खालसा दीवान 1909 आप दोवें बाहां खड़िया की सारे खालसा दीवान च माफी मंगी सी। तो वह बोलता की है माफी मंगन लग्या कहता दुहाई रब दी मैं जो कुछ किया अनर्थ किया मैं कुहर तोड़िया लोगो मैं कुहर तोड़िया। यह लिखत सी जिसनों अज भी सिख जिहड़ा कुहर तोलन वाला सी वह आप बाहां खड़िया करके पुकार पुकार के दीवान च कह रहे उहदा नाम भी दिता हो रहा पर सिख अज भी हनेरा टोक के अपने सिर के उत्ते लैके तुर जा रहे हनेरे में जीवन बतीत करते हैं। सो इन्हां भरमां तों छुटकारा पाउण लई सानू परमेश्वर की शरण लैनी चाहिए। यह टूक मैं तुहाडे नाल इस करके सांझी कीती है कि असीं वहमां ते भरमां तों बाहर निकल के जीवन के अंदर यथार्थ नाल जुड़ सकीए, असलियत नाल, सच्चाई नाल जुड़ीए। ते सच्चाई की है, सच की है, उसनूं आखदे ने आज सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। मैं एक बार फिर सुनना चाहता तुहाडे कोलों, मैं ते बोलदा आज सच है भी सच नाल उसी भी सच। ये सब कुछ याद है इस करके वो अकार उस तो बगैर होर कोई दुनिया की ताकत सच हो नहीं सकती। जेडे कुहर तोलन वाले ने बाहां खड़िया कर करके वो पुकार के संगत च दीवान च उन्होंने आप ही आके कि मैं कुहर तोलिया मैं गलती की थी। सो आओ सारे मिलके साहिब गरीबन वाहे पातशाह जी का पावन पवित्र वचन पूरन कबूल ना डोलता वह पूरा केवल तो केवल वाहगुरु है। वह परमेश्वर का बनाया होया अकाल पुरख वाहगुरु का बनाया होया जिहड़ा एक चंद्रमा है यह पूरन एक दिन नहीं हुंदा, सिर्फ एक दिन वास्ते एक दिन मर्याद है उसकी, जिसकी मर्याद अपनी एक दिन है वह सानू किन्ने दिन वास्ते सुख दे सकता है। जे चलो मन भी लगी भाभी सानू सुख देगा तो किन्ने दिन नहीं सुख देगा। आप विचारा एक दिन पूरन होंगे उस तो बाद फिर कटना शुरू हो जाता है, कटद्या अलोप हो जाता है। इस करके जे असी सारे सुख लैना चाहते हाँ तो सानू पूरन की ओड ग्रहण करनी पवेगी। वो पूरन कौन है पूरन कब होना